यहाँ पर हम कार्ड फ्लिप कर लेते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। यहाँ पर हमने फ्लिप कर दिया। ओ भाई, हेलो गेमर्स, प्लेयर्स और गेम लवर्स, आज आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल टॉपर गेमर की एक और फ्रेश वीडियो में। सो आज फ्री फायर में मैजिक कार्ड इवेंट फिर से आ चुका है, यहाँ पर नए रूप से आ चुका है। यहाँ पर दो नए बंडल्स ऐड किए गए हैं। यहाँ पर मैजिक कार्ड में यहाँ पर देख सकते हो सामुराई फेस है जो मेल बंडल है हमारा, और किंडाको ब्लाइंड फोर्ड जो हमारा फीमेल बंडल है। और गाइज ये इवेंट 23 मार्च से 29 मार्च तक रहेगा। इसमें आपको कार्ड फ्लिप करने हैं, तो देखेंगे गाइज हम इवेंट पेज के अंदर चलते हैं और पूरा इवेंट पेज एक्सप्लोर करते हैं, आपको पूरी एक एक चीज़ डिटेल में बताएंगे। उससे पहले गाइज अगर आपको चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही में बेल आइकन कॉल पर सेट करो ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो वैसे हम चलिए इवेंट पेज के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर पहले लोड होने देते हैं पहले, तो ये गाइस पूरा लोड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो 25 डायमंड्स का फर्स्ट फ्लिप है गाइस। तो यहाँ पर पिछली बार से 50% मतलब सस्ता दिया गया है। पहले आपको 49 डायमंड्स का था, तो यहाँ पर 25 डायमंड्स का फर्स्ट फ्लिप है। और रिमूव कार्ड का भी कॉस्ट जो है यहाँ पर 49 डायमंड्स कर दिया गया है, तो ये भी काफ़ी सस्ता कर दिया गया है। यहाँ पर आपको याद होगा जो 99 डायमंड्स का था, ये भी 49 डायमंड्स का कर दिया गया है, तो ये भी काफ़ी सस्ता हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो वो भाई फर्स्ट आप जो कार्ड रिमूव करोगे तो आपको बाउंटी टोकन मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर दिखा हुआ है फर्स्ट कार्ड रिमूव का जो है आपको बाउंटी टोकन रिवॉर्ड मिलेगा। तो चलिए गाइस यहाँ पर इवेंट जो रूल है यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं पहले अच्छी तरह से। तो यहाँ पर फ्लिप कर लेगा 20 फ्लिप करोगे तो पोजिशन चेंज हो जाएगा। जी हाँ, ये तो पहले भी था। और जो कार्ड रिमूव करोगे तो उसका कार्ड का जो है उसका प्राइस जो है वो बढ़ता जाएगा गाइस। ये पहले की तरह ही है इवेंट, मतलब कार्ड जो आप रिमूव कर दोगे तो उसमें जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे वन बाय वन। तो चलिए गाइस यहाँ पर कुछ इवेंट डिटेल है, पहले मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ इवेंट डिटेल, फिर उसके बाद हम यहाँ पर फ्लिप या फिर रिमूव करेंगे कार्ड का। तो इवेंट डिटेल आपको पढ़ना होगा तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो गाइस। मैं लेकिन फिर मैं आपको बता दूँ कि फर्स्ट जो आप कार्ड रिमूव करोगे उसमें आपको बाउंटी टोकन मिलेगा, सेकंड में आपको डायमंड वाले वाउचर, थर्ड में जो रिमूव करोगे उसमें आपको पैराशूट मिलेगा, फोर्थ जो करोगे उसमें वीपन वाले वाउचर मिलेगा, और जो फिफ्थ करोगे उसमें सर्फ बोर्ड मिलेगा, सिक्स में आपको नेम चेंज कार्ड, और एट द एंड सेवन्थ में आपको बैकपैक मिलेगा, और जो एट्थ और नाइन्थ फ्लिप जो बचेगा उसमें आपको जो बंडल्स हैं सामुराई फेसलेस और जो फीमेल बंडल है वो आपको मिल जाएगा एट द एंड लास्ट में गाइस। तो यही गाइस इवेंट का रूल। तो चलिए गाइस हम चलते हैं और चल के हम पूरा पूरा एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ पर हम फ्लिप करेंगे रिमूव करेंगे। तो चलिए गाइस हम वीडियो वीडियो देख पूरा देखिए गाइस यहाँ पर हमें बंडल मिला है या नहीं मिला है, हम आपको पूरा बताएंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट फ्लिप हम कहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी 9 पोजिशन है तो हम फर्स्ट फ्लिप कर लेते हैं गाइस। हम देखते हैं हमें क्या मिलता है। ओ भाई P90 मिल चुकी है गाइस, तो काफ़ी अच्छा 25 डायमंड्स का हमें मिल चुका है P90, 40 डायमंड्स का जो क्रेट आ जाए। चलिए गाइस हम यहाँ पर सेकंड फ्लिप पियो भाई पेट फूड। ओ भाई बगल में था, अरे यार वहाँ पे बगल में था भाई, बगल में था, थोड़ा सा चल जाता यहाँ पर 25 डायमंड्स का हमें पड़ जाता। तो चलिए गाइस मैं आपको पहले दिखाता हूँ हिस्ट्री मुझे क्या क्या मिला है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर P90 क्रेट मिली और यहाँ पर हमें पेट फूड मिल चुका है। तो चलिए गाइस हम यहाँ पर थर्ड फ्लिप कर लेते हैं और देखते हैं थर्ड फ्लिप में हमें क्या मिलता है। ओ भाई पेट फूड थर्ड, ओ भाई नीचे था यार, यहाँ पर पोजिशन पूरा फिक्स है इन लोग का। फोर्थ फ्लिप में हमें पेट फूड मिल चुका है गाइस, क्या हो रहा है यहाँ पर। चार फ्लिप में चार तीन पेट फूड मिल चुके हैं। फिफ्थ फ्लिप हम कर लेते हैं गाइस यहाँ पर, तो कर लेते हैं P90 यार, फिर से P90। ओ भाई ऊपर ही था यार, हद यार। चलिए गाइस हम अगला फ्लिप कर लेते हैं और देखते हैं पूरी। ओ भाई स्कार, ओ भाई कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो यहाँ पर ग्रीना वालों। तो चलिए गाइस अब हम कार्ड रिमूव करेंगे गाइस, हम फ्लिप नहीं करेंगे कार्ड रिमूव कर लेते हैं और देखते हैं कार्ड रिमूव करके। ओ भाई बाउंटी टोकन, जैसा कि मैंने कहा था गाइस रिमूव करोगे फर्स्ट में बाउंटी टोकन, सेकंड में आपको डायमंड मिल चुका है। यहाँ पर कार्ड रिमूव का कॉस्ट भी बढ़ चुका है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो 99 डायमंड्स हो चुका है कार्ड रिमूव का कॉस्ट। तो हम रिमूव तो नहीं करेंगे, हम फ्लिप से ही जाएंगे क्योंकि रिमूव करने जाएंगे 99 डायमंड, फिर पता क्या 299 डायमंड्स लगा दें, हमारे पास उतना डायमंड्स है नहीं रिमूव करने लायक। तो हम यहाँ पर फ्लिप ही कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पर कहाँ पर फ्लिप करेंगे तो पहले हम देख लेते हैं पोजिशन हमारी, और यहाँ पर हम यहाँ पर फ्लिप कर लेते हैं गाइस, यहीं पर से हम फ्लिप कर लेते हैं और देखते हैं। अब 25 डायमंड कन्फर्म कर दिया और फिर से P90 यार, ओ भाई ऊपर था यार, दोनों बंडल्स ऊपर था गाइस, एक तो बंडल दे दो, फिर से फ्लिप कर लेते हो, फिर से P90, हद है यार, कितनी P90 क्रेट मिलेगी। तो चलिए गाइस हम अगला ही फ्लिप कर लेते हैं, बहुत सारे हमें P90 क्रेट्स मिल चुके हैं, आई होप हमें बंडल तो ना लेकिन P90 परमानेंट मिल जाए। तो यहाँ पर फिर से फ्लिप कर लेते हैं गाइस। ओ भाई पेट फूड, हद है यार, क्या बात है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे पेट फूड मिल चुके हैं, मेरा पेट मैक्स नहीं होगा तो इसका मतलब क्या गरीना वालों पेट फूड ही दे दोगे मुझे। ओहो चलिए गाइस हमारा जो अगला फ्लिप है वो भी कर लेते हैं, क्या हमें फ्लिप तो करना ही है, हमें रुकेंगे ही नहीं, तो यहाँ पर करें यहाँ पर करें यहाँ 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 पर कर लेते हैं गाइस।
यहाँ पर फ्लिप कर लेते हैं, कंफर्म हमने कर लिया, यहाँ पर हम फ्लिप ही करेंगे। तो चलिए गाइस हम यहाँ पर फ्लिप कर लेते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो गन की रेट मिली है यहाँ पर, ओ भाई गरीना वालों कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो, फिर से गन की रेट दे दी। चलिए गाइस हम अगला फ्लिप यहाँ पर कर लेते हैं और देखते हैं, आई होप हमें इस बार कम से कम गरीना वालों दे दो, नहीं तो अगला। ओ भाई मिल गया यार, गाइस देख सकते हो हमें मिल चुका है सामुराई फेसले जो बंडल है, मील बंडल है, वो हमें मिल चुका है गाइस। हद यार हमें मिल चुका, हमें सोचे थे कि ये लास्ट फ्लिप होगा, अगर इस पर नहीं मिलता है तो हम फ्लिप नहीं करेंगे। तो गाइस ग्रीना वालों ने सुन लिया, यहाँ पर हमें दे दिया है सामुराई फेसले जो हमारा बंडल है, मील बंडल मैजिक कार्ड का, वो हमें मिल चुका है गाइस। काफ़ी खुशी की बात है, हमारा मील बंडल यहाँ पर देख सकते हो गाइस हमें मिल चुका है यार। चलिए बहुत खुशी की बात है, हमें मील बंडल तो मिल गया, कम से कम हमारे लगते हैं, हमारे देखते हैं हमारे कितने डायमंड लग गए हैं। तो हमारे पास 384 डायमंड, तो कम से कम हमारे 400 डायमंड्स, 350 डायमंड्स के आसपास हमें लग गए, और गाइस हमें मील बंडल मिल गया, तो काफ़ी अच्छी बात है गाइस। 350 डायमंड्स हमें मील बंडल मिल गया, तो काफ़ी खुशी की बात है। ओ भाई हमें मील बंडल मिल चुका है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मील बंडल तो हमें मुझे मिल चुका है, वो भाई काफ़ी खुशी की बात है गाइस। तो हम यहाँ पर फीमेल बनने के लिए जानेंगे गाइस, फीमेल बनने के लिए, ओ भाई पेट फूड मिल गया। फीमेल बनने के लिए हम 200 डायमंड समथिंग लगाएंगे, हमें मेल बनल तो मिल चुका है, तो फीमेल बनने के भी जाएंगे गाइस। फिर से कंफर्म पिक कर देते हैं, यहाँ पर फिर से P90 गाइस, हमें पेट फूड और P90 क्रेट इतनी मिल चुकी है, पूछो मत। फिर से हम लगा देते हैं गाइस 25 डायमंड और देखते हैं हमें क्या मिलता है इस बार, हमें कम से कम हमें मेल बनल तो दे दे गाइस ग्रीना वालों, वो फिर से गन क्रेट मिल दिया। चलिए गाइस इस बार लास्ट है गाइस, इस बार लास्ट लगाएंगे, अगर हमें मिलता है मिलता है, ठीक है नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, हम इस बार इसके अलावा हम नहीं लगाने वाले। तो ये जो हमारा फ्लिप होगा वो हमारा आखिरी फ्लिप होगा, इसके अलावा हम फ्लिप नहीं करेंगे, हमें उतने डायमंड नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें मील बंडल मिल चुका है, तो हमारा लास्ट फ्लिप है। तो इस पर कन्फर्म करें तो अस्कार यार, वो भाई बगल में था यार, बगल में था यार, उसके बगल में था। तो गाइस मैं आपको हिस्ट्री दिखा देता हूँ मुझे क्या क्या मिला है, यहाँ पर आप देख सकते हो हिस्ट्री फर्स्ट में मुझे क्या क्या मिला था। तो यहाँ पर से देख सकते हो मेल बंडल के बाद मैंने 100 डायमंड लगाए हैं और मुझे नहीं मिला। तो चलिए गाइस इवेंट पे हटा देते हैं और चलते हैं हमारे वॉलेट में, और जो भी हमें गन क्रेट्स मिली है उसे खोलेंगे, और जो हमें बंडल्स मिला है उसको ओपन करेंगे और इक्विप करके आपको पूरी तरह से दिखाएंगे गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस हम आ चुके हैं, यहाँ पर हम अपने वॉलेट में चल लेते हैं पहले, तो वॉलेट में हम आ चुके हैं गाइस। तो चलिए हम क्रेट में चल लेते हैं, तो पहले हमारे स्कार की क्रेट है, तो स्कार की क्रेट यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे स्कार की दोनों क्रेट ओपन कर लेते हैं, तो हमें मिला है वो भाई 4 दिनों के लिए मिल गया है, तो P90 क्रेट 5 ओपन कर लेते हैं, और हमें काफ़ी दिनों के लिए मिल चुका बट परमानेंट नहीं मिला, यह भी गन क्रेट ओपन कर लेते हैं, ये थीम बॉक्स है और ये भी ओपन कर लेते हैं गाइस, कुछ भी नहीं मिला परमानेंट। यह रहा हमारा मेल बंडल गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो 1x1, चलो इसका हेड देख लेते हैं पहले। ओ भाई यहाँ पर हेलमेट पहना हुआ है, गन मारेगा तो कोई लगेगा ही नहीं, हेलमेट की ज़रूरत ही नहीं है इसको। ओ भाई काफ़ी खूबसूरत बंडल है गाइस, इसको क्यूब कर लेते हैं पहले, क्योंकि क्यूब कर लिया गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी। ओ भाई इंद्रनील भाई हम इन्वाइट कर ले हैं, तो ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं, सॉरी इन्वाइट नहीं, ज्वाइन करने के रिक्वेस्ट किया जाए, तो चलिए इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हम तो ग्रुप में ही थे, इनको बंडल तो दिखेगा ही नहीं हमारा, तो पहले हम ग्रुप एग्जिट कर लेते हैं गाइस, फिर से ग्रुप बनाते हैं, फिर उनको इन्वाइट करते हैं, तब वो बंडल देख लेंगे गाइस। तो गाइस इतना ही था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है गाइस तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं कोई फेस वीडियो गाइस, टिल देन बाय बाय। और गाइस वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा जितना हो सके, वीडियो को शेयर करिएगा, मिलते हैं कोई फेस वीडियो में, टिल देन बाय बाय। I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground.